श्रीमान जी, हम आपको बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मंच पर चढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। कलर पार्टी के साथ पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़।
एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, तो उस देवी का नाम ब्रह्मा जी ने वाणी की देवी सरस्वती नाम रखा। उसी दिन से बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा का आयोजन हुआ और तब से लेके आज तक होता चला आ रहा है। साथ ही साथ आज महाराज सुहेलदेव जिनका जन्म दिवस भी है, महाराज सुहेलदेव के बारे में ऐसी मान्यता है कि 17वीं शताब्दी में मुगल राजा जहांगीर के दौरे में अब्दुल रहमान चिश्ती के नाम एक लेखक हुए। 1620 के दशक में चिश्ती ने फारसी भाषा में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसमें हिंदी में उसका मतलब होता है मसूद का आईना। उसमें इन्होंने लिखा कि महमूद गजनवी का एक भांजा था जो 16 वर्ष की उम्र में अपने पिता गाजी सैयद सलार साहू के साथ भारत पर हमला करने के लिए आया था। अपने पिता के साथ उसने इंडस नदी पार करके वहां के मुल्तान, दिल्ली, मेरठ और बाराबंकी तक को जीत लिया था। साथ ही साथ सत्रिक में मसूद को न जाने क्या भाया, क्या उसके मन में विचार आया, उसने यहां पर रहने का फैसला कर लिया। टिकने के लिए उसने आसपास के हिंदू राजाओं से सुरक्षा भी उसे चाहिए थी। उसने अपने साथियों के आसपास के राजाओं को ठिकाने लगाने के लिए भेजा। कई आक्रमण हुए, चूंकि उस समय ऐसा भी था कि राजे और रजवाड़े आपस में ही वैमनस्यता के शिकार थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसका फायदा मसूद ने भी उठाया। धीरे धीरे उसने अवध के जितने भी उसके आसपास के क्षेत्र थे सब पर कब्जा कर लिया। लेकिन बहराइच और आसपास के इलाकों के राजाओं ने मसूद के साथियों से युद्ध किया, लेकिन वो सालार साहू से हार गए। वो अलग बात है कि हार के बावजूद भी उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। ऐसे में छुटपुट लड़ाइयां चलती रही। फिर 1033 ईस्वी में खुद सालार मसूद अपनी ताकत को आजमाने के लिए वह बहराइच आया। उसका विजय रथ अब तक बढ़ता रहा था जब तक उसके रास्ते में राजा सुहेलदेव नहीं आए। सुहेलदेव के साथ युद्ध में मसूद बुरी तरह से जख्मी हुआ और फिर इन्हीं जख्मों की वजह से उसकी मौत भी हो गई। पहले उसने अपने साथियों को बहराइच की जगह बताई थी जहां उसकी दफन होने की ख्वाहिश थी। उनके साथियों ने उससे वादा निभाया भी और बहराइच में ही दफना दिया गया। ऐसी मान्यता भी है कि राजा सुहेलदेव ने मसूद गाजी का सर धड़ से अलग करके वही अपने किले के सामने ही टांग दिया था। तो इस तरह से महाराज सुहेलदेव जी, इनका जीवन, इनका देश के प्रति समर्पण की भावना, यह हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही साथ महाराज सुहेलदेव जी अपनी कुशल राजनीतिज्ञ सूझबूझ के लिए भी जाने जाते थे। वह कुशल सेनानायक के साथ साथ एक वीर योद्धा भी थे जिसने सालार मसूद जैसे आतंकारी तो मौत के घाट उतार दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं संगीत शिक्षक मोहम्मद तौहीद जी को आहूत करना चाहूँगा, वो आए और संगीत के माध्यम से बच्चों से जुड़े।
हेलो 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 माशारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है 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 किस मन जो ज्ञान से तू जग को लुभा रही है किस मन जो ज्ञान से तू जग को लुभा रही है माशारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है किस भाव में भवानी तू मान हो रही है विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं चरणों में तेरे माता हम सर झुका रहे हैं हम सर झुका रहे हैं माशारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है माशारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है किस मन जो ज्ञान से तू जग को लुभा रही है अज्ञान तुम हमारा माशीघ्र दूर कर दो अज्ञान तू हमारा माशीघ्र दूर कर दो द्रुत ज्ञान शुभ्र हम में माशारदे तू भर दे द्रुत ज्ञान शुभ्र हम में माशारदे तू भर दे बालक सभी जगत के सुत मात हैं तुम्हारे बालक सभी जगत के सुत मात हैं तुम्हारे बालक सभी जगत के दूत मात हैं तुम्हारे प्राणों से प्रिय हैं हम तेरे पुत्र सब दुलारे प्राणों से प्रिय हैं हम तेरे पुत्र सब दुलारे तेरे पुत्र सब दुलारे माशारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है माशारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है माशारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है माशारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है
इस मंजु ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। धन्यवाद सर, बहुत ही संगीतबद्ध तरीके से आपने बच्चों को समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानाचार्य जी, इस कार्यक्रम के आखिरी वक्ता हैं, तो हम उनको आमंत्रित करते हैं कि प्रधानाचार्य जी आएं और बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर बच्चों को दिशा निर्देश देते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। माननीय प्रधानाचार्य, हिंदू का त्यौहार है, इस दिन विद्या की देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है। ये पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर, बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से भी उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों तथा अनेकों आदि ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। सरस्वती से प्रसन्न होकर, पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी, और सभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति के कण कण खिल उठता है, मानो तो क्या पशुपति तक उल्लास भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यह तो माघ का ही पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर बसंत पंचमी माघ शुक्ल पांच का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेकों तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है, जो शिक्षा भी भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वह इस दिन माँ शारदे से की पूजा करके उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही साथ ये पर्व हमें अतीत अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो ये हमें त्रेता युग से जोड़ती, उनमें दंड कारण ही था। ये सबरी नामक हिली रहती थी, जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वो बुद्ध बुद्ध हो गए थे और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे झूठे फेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। दंड कारण का ये क्षेत्र इन दिनों गुजरात, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। गुजरात के डाक जिले में वो स्थान है जहाँ सबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहाँ आए थे। उस क्षेत्र में वनवासी आज भी एक शिला की पूजा करते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर नहीं बैठे थे, वहाँ सबरी माता का मंदिर भी है। बसंत पंचमी के ही दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद आती है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया, पर जब अश्वत्थामा बार में पराजित हुए तो मोहम्मद गोरी ने उन्हें नहीं छोड़ा, वो उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें। इसके बाद ही घटना की, जब प्रसिद्ध मोहम्मद गोरी ने मृत्युदंड देने से पूर्व भेदी बाण का सवाल श्री राज के तब चंद्र बरदाई के परामर्श पर गोरी ने उनके स्थान पर बैठकर कुमार का संकेत किया, तभी चंद्र
राजचंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत क्यों को चौहान। पृथ्वीराज के चौहान के इस बार भूल नहीं थी, उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद्र बरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाढ़ मारा हो मोहम्मद गोरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्मबलिदान दे दिया। ये घटना भी बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। सिखों के लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। बसंत पंचमी का त्यौहार निवासी वीर हकीकत से भी गहरा संबंध है। अपने हिंदू धर्म पर इसी दिन वो बलिदान हुए थे। बसंत पंचमी हमें गुरु गोविंद सिंह कूका की भी याद दिलाती है। उनका जन्म 1816 को बसंत पंचमी पर लुधियाना के भैणी ग्राम में हुआ था। उस समय महाराज रणजीत सिंह की सेना में रहे फिर घर आकर खेत बाड़ी में लग गए, पर आध्यात्मिक प्रवृत्त होने के कारण उनके प्रवचन सुनने लोग आने लगे। धीरे धीरे उनके शिष्यों का एक अलग पंथ ही बन गया जो कोका पंथ कहलाया। राजा भोज का जन्मदिन भी हमें याद दिलाता है कि बसंत पंचमी को ही हुआ था। राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव करवाते थे जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रतिभोज रखा जाता था जो 40 दिन तक चलता था। बसंत पंचमी हिंदी साहित्य की अमर विभूत महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन भी हुआ था। निराला जी के मन में निर्धनों के प्रति अपार प्रेम और पीड़ा थी। वह अपने पैरों अपने पैसे और वस्त्र खुले मन से निर्धनों को दे आते थे। तो बच्चों, इस तरह बसंत पंचमी आपके लिए एक याद दिलाने वाली उत्सव है। आप पर आज जी का पूजा किए हैं और ये पूजा सदैव करते रहेंगे। साथ ही साथ ये अपने अंदर अभिलाषा रखेंगे कि हम सरस्वती जी के ही वरदान से जो कुछ कर पाएंगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आप लोग आज से वंदना के बाद अपनी पढ़ाई पर जुट जाएंगे। काफ़ी दिन कोरोना काल रहा, काफ़ी दिन बाद आपका विद्यालय खुला, आप लोग विद्यालय आए हैं जूनियर के बच्चे। तो मेहनत से आज से आप लोग प्रार्थना करके माँ सरस्वती का पूरे मनोयोग से जुटेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोगों का आशीर्वाद आपके लिए यही है कि आप जहाँ भी रहें अच्छे नंबर से पास हो, अच्छे आगे जाएं, विद्यालय का नाम रोशन करें। इसी के साथ आज के उत्सव के समापन की घोषणा करते हैं। बच्चे शांतपूर्वक प्रसाद लेंगे और अपने घर जाएंगे, अगले दिन से पढ़ाई होगी।